नमस्कार। तो आज आप हम राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूज नज़र आ रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी देख सकते कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे 180 लेवल को ब्रेक डाउन किया है स्टॉक ने और उसी के साथ स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट हो रही है। अभी लीस्ट सपोर्ट की बात की जाए, ये जो ब्लू कलर का लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वो यहाँ पे सपोर्टिव एक्ट हो सकता है, जो कि 170 लेवल के करीबन है। अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो पुल बैक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि यहाँ से पुल बैक हो सकता है। स्टॉक के अंदर थोड़े से वॉल्यूम इम्प्रूव होने चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम जो आ रहे काफ़ी कम क्वांटिटी के साथ आ रहे, जिसकी वजह से डिमांड भी नहीं आ रहा है स्टॉक के अंदर। अगर डिमांड बढ़ेगा तो वॉल्यूम आएंगे और उससे स्टॉक के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते कि कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ या अपडेट नहीं है रिगार्डिंग यहाँ पे RCF लिमिटेड स्टॉक।